बिड़मू के सुभाष नगर में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की मौत के घाट उतरवा दिया और उसके बाद मोटरसाइकिल पर शव ले जाकर सड़क पर फेंक दिया ताकि पहली नजर में मंजीत की मौत सड़क हादसा लगे। हालांकि पुलिस ने जब तफ्तीश की तो सड़क हादसा हत्या निकला और मंजीत पात्र हत्याकांड का बिड़मू पुलिस प्रशासन ने 3 दिनों के अंदर उद्भेदन कर मंजीत पात्र की पत्नी रेणुका देवी सहित करण कुमार और अन्य अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। क्षेत्र में दिनांक 1 मार्च को एक सड़क दुर्घटना की सूचना पर पुलिस जो है CISF मैगजीन बारीग्राम के पास गई तो वहां पर एक डेड बॉडी मिला। डेड बॉडी को अपने SOP के अनुसार उसको पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए भेजा गया और घटनास्थल पर जो जांच पड़ताल हुई उससे उसकी हत्या होने का डाउट वहां पर पुलिस को हुई। इसके आधार पर अभी जांच पोस्टमार्टम के लिए जैसे ही भेजा गया तो इसी बीच एक सूचना आई कि DB से खून गिरने और चप्पल वहां मिलने की बात प्रकाश में आई। जैसा कि हम लोग फर्स्ट टाइम जो PO पर गए थे उस समय भी ऐसा लग रहा था कि इसकी हत्या कहीं और की गई है और जब ये DBC ग्राउंड वाली बात आई तो हम लोग को लगा कि नहीं, हत्या शायद इसी जगह पर इसकी हुई। फिर उसके जो गिरा हुआ चप्पल थे उसके औरत को दिखलाया गया तो उस औरत की पहचान किया कि नहीं, ये इनके इसके पति का ही चप्पल है। इसके बाद फिर हम लोग पुलिस जो पोस्टमार्टम के लिए जब गई तो वहाँ से जो एक लड़का जो साथ में पोस्टमार्टम के लिए गया हुआ था वो भाग गया था वहाँ से, जिसका नाम करण था। तो उसके भागने पर भी थोड़ा शक हुआ कि हाँ, ये अचानक क्यों वहाँ से भाग करके चला गया। इस बीच में करण और के मोबाइल का और बाकी लोगों का जो टेक्निकल जो इन्वेस्टिगेशन किया गया तो उसमें देखा गया कि दोनों के बीच में काफ़ी संपर्क है। अगल बगल से इसके जानकारी लिया गया और इसकी पुष्टि हुई कि दोनों के बीच में काफ़ी गहरा संबंध था। और इसके आधार पर फिर जो मृतक की पत्नी को, जिसका नाम है रेणुका देवी, उसको उससे पूछताछ किया गया। पूछताछ करने पर वो अपना अपराध जो है स्वीकार की और बताई कि इसमें करण के साथ उसका प्रेम संबंध था और अपने पति को करण से शादी करने के लिए, अपने पति को उस रास्ते से हटाने के लिए करण के साथ जो है वो बैठ के साजिश रची, जिसमें इस साजिश में विनोद भुइयां, राहुल और राजू डोम का जो भाई, राजू डोम मतलब करण का भाई राजू डोम, वो भी इसमें शामिल था। और घटना कुल्हाड़ी से इसमें जो इन अभियुक्तों से पूछताछ में ये बात प्रकाश में आई कि ये जो करण और उसकी जो प्रेमिका जो है, मतलब मृतक की पत्नी, ये दोनों 1.5 से 2 लाख रुपये के सुपाड़ी विनोद भुइयां और राहुल को देने की बात कह करके इसकी हत्या का जो प्लान किया गया और उसी में ये 9:30 बजे घर से निकला और उसी रात वहाँ पर उसकी DBC जो ग्राउंड है उसके पास झाड़ियों में ले जाकर उसके कुल्हाड़ी से सर पर मार